हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जो आपका 11 अप्रैल को कितने अप्रैल को 11 अप्रैल को जो आपका बायोलॉजी का पेपर होने जा रहा है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण सोल्यूशन बताया, बाकायदा उत्तर सहित, ताकि आप लोगों को एक बार में ही पूरा पेपर समझ में आ जाए। चलिए शुरू कर दें। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहेगा, पैटर्न रहेगा, इसी आधार पर चलिए। तो ये इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए रहेगा, तभी तो ऊपर हिंदी लिखी जाती है, नीचे आपकी इंग्लिश लिखी जाती है। बच्चों, साथ ही मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। जैसे पहले रहेगा, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, जो वर्गीकरण होती है तो उसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता तो उसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगत। दूसरा लगा, स्थानियों का विशेष लक्षण है, इन स्थानियों होते हैं तो उनका विशेष लक्षण क्या है? तो उनका ये सभी हो जाएगा, यानी ये सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्तनधानी होते हैं तो बालों की उपस्थिति होती है, श्वेत ग्रंथियों की उपस्थिति होती है, बाहकण की उपस्थिति होती है, तो ये तीनों उपस्थित होते हैं उनमें, तो ये आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा। तीसरा लगा, धसे हुए रंध किन पौधों में पाए जाते हैं? जो जो रंध जो जो रंध होते हैं ना, तो कौन से पेड़ में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अपने मरुस्थलीय में, यानी आपका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लगा, चौथा, मास्ट कोशिका किसका स्राव करती है? यानी जो मास्ट कोशिका होती है तो वो किसका स्राव करती है? तो वो करती है ए सभी का, मतलब कि वो हेरेपिन की स्राव करती है, सीरोटोनिन का हेरा स्राव करती है, हिस्टामिन का भी स्राव करती है, तो इन तीनों का स्राव करती है, तो आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला लगा, पाँचवा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी, अगर आप लोग पता है तो इसका तो बच्चों सभी को पता होगा यार, बहुत सहल है, तो पता ही किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वेरी मोस्ट, आपको ये रखा मिलेगा, पेपर बता दिया। छठवां है, क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो संपन्न होता है, वो किससे होता है? तो वो होता है पेगिटिन में, किसमें? पेगिटिन में। दूसरा, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला लगा, सातवां, जिसमें लगा है जीन विनिमय होता है, जो जीन होता है वो विनिमय होता है, कैसा होता है? तो वो होता है समजात गुणसूत्रों के बीच, यानी समजात गुणसूत्रों के बीच, यानी आपका जे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपके 7 नंबर में दी जाएंगे, ठीक। चलिए इन्हें भी हम कर लेते हैं। तो पहला लगा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधानियों की विविधता ही कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक। धन उसका बना था जैव विविधता, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बनता भी होगा। दूसरा, जल संभावन तंत्र संघ का प्रमुख लक्षण है, तो कौन सा लक्षण है? तो आप लोग इकाइनोडर्मेटा, ठीक, इकाई नो डरमेटा, ठीक, ये हो जाएगा। तीसरा लगा है, द्विबीजपत्री तनों में समान बंडल एक के रूप में विस्तृत होते हैं, तो किसके रूप में होते हैं? बलय के रूप में, ठीक। तीसरे का लोग बलय। चौथा लगा आप लोग सामने, केंचुए में उत्सर्जन का कार्य द्वारा होता है, तो सभी लोग जानते हैं नेफ्रेडिया के द्वारा होता है, नेफ्रेडिया, ठीक बच्चों। चलिए अगला लगा आप लोग सामने, कोशिका भित्ति में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका, ठीक। छठवां लगा है, जीन विनिमय पूर्वावस्था की अवस्था में होता है, तो आप लोग पेकिटिन, पेकिटिन, ठीक, नाना लगा बना पेकिटिन हो जाएगा। फिर आप लोग प्याज की जड़ किस चीज में विभाजन देखा जाता है? तो किसमें देखा जाता है, कौन सा विभाजन? तो सूत्री विभाजन देखा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग लिखते जाता हूँ कि भाई पूर्ति कम्प्लीट करवा दी है, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सही जोड़ियाँ, जो सही जोड़ियाँ आप लोग इस प्रकार से मिलाएंगे। चलिए काफ़ी ज़्यादा सरल है बच्चों। जो पहला का है माइक्रो प्लाज्मा, माइक्रो प्लाज्मा किससे मिलाओगे? मोनेरा से, मोनेरा। दूसरा लगा कैट, कैट किन पुष्करम, तो इसका मिलाओगे आप लोग सहतूत से, किससे? सहतूत। तीसरा रक्त, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। कॉकरोच, कॉकरोच का मिलाओगे संयुक्त नेत्र, ठीक, इसमें संयुक्त आंखें पाई जाती हैं, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन किसमें? तो इसमें हो जाएगा कॉन्जेलेक्ट प्रोटीन, ठीक, आपका ये सी वाला में मिल जाएगा। कोशिका पट्ट निर्माण होता है, तो किसमें होता है? तो पादप कोशिका में होता है, ए वाले में। डीएनए का द्विध्रुवीकरण एस उपास्था, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी भी कम्प्लीट हो जाती है। हम पढ़ते हैं एक शब्द एक वाक्य आंसर की, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल भी है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से बच्चों, जो जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से यह फायदा होगा आपको,
कि जो आपके नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो भी होने वाली है, केमिस्ट्री का पेपर होगा आपका, तो उसका भी सोल्यूशन आपको इसी प्रकार से समझाया जाएगा, मिलता रहेगा। और लाइक करने से यह होता है कि मुझे मोटिवेट मिलेगा, ताकि मुझे लगेगा बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है। ठीक, जैसे 1000 लाइक आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है तो और भी जो पेपर होंगे तो उनका भी इसी प्रकार से सोल्यूशन लाऊंगा। ठीक, तो मुझे अच्छा लगने लगता है। ठीक, एक शब्द एक वाक्य में होता है। ठीक, पहला लगा आप लोग, बर्गिकी के जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो किसे इसे माना जाता है, कैलोरस लिनियस को। ठीक, कैलोरस लिनियस को। ठीक, ये हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए दूसरा लगाएं, एक बीज पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास पाता है, तो कैसा होता है, तो समांतर शिराविन्यास। कैसा लोगे, समांतर सी बढ़ना आ जाएगा यहाँ पर, शिराविन्यास लिख देना, फिर जी लिख दोगे शिराविन्यास। ठीक, फिर मटर का वनस्पतिक नाम लिखिए, तो मटर का वनस्पतिक नाम है पाइसम और सेटाइबम। ठीक, ये हो जाए मटर का नाम। फिर चौथा, कॉकरोच का जंतु विज्ञान नाम लिखिए, तो कॉकरोच का जंतु विज्ञान नाम क्या होगा बताइए, है पता कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि इसका हो जाएगा आप लोग सामने, ये है मैंने इसका, तो मैं बच्चों कमेंट बॉक्स में दूंगा, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा लिखना आपको। चलिए तो चलिए मैं वीडियो डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स करना है तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र का करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा बहुत एक साथ, देखिए आपको क्या देखना है, स्टडी नोट्स pg.com ही देखना है आपको। ठीक है, इसमें पीजी का लोगो लगा होगा पीले कलर का, स्टडी नोट्स pg.com लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा भी है सेट ए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर, देखिए फिजिक्स का डला हुआ है। ठीक है, असली पेपर है और फिजिक्स का डला हुआ है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है। जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिर फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, फिर यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे, यहीं पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। पांचवा, डीएनए आरएनए की श्रृंखला को नाम लिखिए, तो डीएनए आरएनए की श्रृंखला का नाम कैसा होगा, तो लोगों पेरिपिटल अमेरिकाना, क्या लोगे, पेरिप्लेनेटा और अमेरिकाना। ठीक हो जाएगा। चलिए फिर लगाया, पुष्पी पौधे में अधिसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होता है, तो कहाँ होता है, तो पुष्प के पराकोष या अंडाशय स्थित विभाजन में। तो लोगे इस प्रकार से लोग पुष्प के पराग कोष में, पराग कोष। ठीक, पुष्प के पराग कोष में। फिर लगाया सातवां, कोश का चक्की सबसे छोटी अवस्था नाम लिखिए, तो सूत्री विभाजन। ठीक, सूत्री विभाजन। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द के वाक्य आंसर भी हो जाते हैं। फिर बच्चों आप लोग सामने ये प्रश्न भी दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप लोगों के सामने इस प्रश्नों की मैं अगली वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, वो आपको बोलने लगेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के से। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लेना, और अगर उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो स्टूडेंट नोट पीजी से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग मिलते हैं इसके आंसर के साथ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।